नमस्कार, स्वागत है आपका अक्टूबर 2024 कन्या लग्न के लिए, वीरगो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले ये महीने में लग्नेश आपका ज्यादातर सेकेंड हाउस में है, शुक्र बुध शुक्र के साथ, मतलब आपको अपनी जबान से एक अच्छा लाभ मिलने वाला है, धन वर्षा होने वाली है, मनी फ्लो, पैसे का एक बहुत अच्छा फ्लो। 9 अक्टूबर से गुरु वक्री हो रहा है कि 3 फरवरी तक, ये वक्री गुरु का ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है आपको, बट फिर भी ये सेकेंड हाउस का बुध बहुत अच्छा लाभ देगा आपको। मैंने हेडिंग लिखी है मनी फ्लो। सबसे पहले अविवाहित लोगों के लिए, जो 22 सितंबर से 8 अक्टूबर तक विवाह का योग आएगा ही, आपको मैरिज का चांस है आपको 8 अक्टूबर तक, 22 सितंबर से। घर के बड़े बुजुर्ग के लिए या कोई धर्म कार्य के लिए या संतान के विषय में 25 अक्टूबर तक, 9 अक्टूबर से 9 अक्टूबर टू 25 अक्टूबर के बीच में एक बहुत बड़ा कोई शुभ कार्य, कोई सोशल वर्क है या घर के बड़े बुजुर्ग है उनके लिए या बच्चे के लिए कुछ खर्च होगा, ये दिखाई दे रहा है। और लास्ट वीक में एक बहुत बड़ा कोई प्रॉपर्टी का काम होगा ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब पैसा आपके कुछ बहुत बड़ा काम प्रॉपर्टी के मामले में, एक बहुत बड़ा आंकड़ा आपके हाथ में आएगा 26 अक्टूबर से 27 नवंबर में, मतलब लास्ट वीक, बाद में नवंबर तक कुछ पैसा हाथ में आएगा बड़ा, फिर फर्दर प्रॉमिस में गया होगा तो बाकी काफी मनी फ्लो। 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक लग्नेश धनस्थान में बढ़िया पैसा हाथ में आना चाहिए, रहना चाहिए। अब टोटल ये महीने को समझिएगा, 31 दिन का महीना है, उसमें से 6 दिन में ऐसे बोल रहा हूं केयरफुल रहना है आपको, बाकी के 25 डेज समझ लीजिएगा कि आपका ही है। 31 में से सिर्फ 6 माइनस करेंगे तो 25 डेज आपका है। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, ये डेट कैलेंडर पे मार्क करिएगा, 6, 7, 19, 20, 23, 24, 6 दिन है। अब किस तरह से होगा ये थोड़ा डेट वाइज प्रिडिक्शन समझने की कोशिश करिएगा। अब 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक कैरियर का ग्राफ आपका मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। 1 और 2 तारीख कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग होगा, लकी दिन है आपके लिए, भाई बहन की मैरिज लाइफ के साथ का भी कुछ पॉजिटिव कनेक्शन आएगा। 1 और 2 तारीख को, 2 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक, बाद में 2 तारीख को 3 बजे के बाद, 2, 3 और 4, दो ये 3 बजे के बाद है 2 तारीख का, दोस्त हुआ जॉबलेस उनके लिए बेस्ट है, ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया दिन साबित होगा, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड जो 2 बजे के बाद का मीटिंग, 3 बजे के बाद, 3 PM के बाद का मीटिंग रखिएगा 2 अक्टूबर को, समझ लो कि कामयाब होना ही है आपको। 3 और 4 तारीख आपका सक्सेस डबल हो जाएगा, बहुत बड़ी मीटिंग होगी, काम आसानी से कर पाएंगे। अब 4 और 5 तारीख ये बड़े भाई के साथ का कुछ कनेक्शन आएगा, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम, कोई बहुत बड़ा ड्रीम प्लान करने का टाइम है, ड्रीम मतलब माइंड में आप एक पहले पिक्चर बनाते हैं फिर उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो 4 और 5 तारीख एक अच्छा दिन बीतेगा दोस्तों के साथ एंजॉय करने का, सपना देखने का, और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने का फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 4 तारीख। 5 तारीख को शेयर मार्केट बंद है इसलिए लिखा नहीं। 4 एंड 5 फाइनेंशियली द बेस्ट डे है आपके लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। 6 और 7 तारीख ये महीने का सबसे केयरफुल रहने वाला एक दिन, 2 दिन, यानी कि ये दिन लोग आपको यूज करेंगे, बेवकूफ बनाएंगे, आप लोनलीनेस फील करेंगे और पैसे पर आपका कंट्रोल रहेगा नहीं। ऐसे तो आप परफेक्ट बजटिंग करने वाले पर्सन है, बट 6 और 7 तारीख डिसीजन पेंडिंग रखिएगा, कोई बहुत बड़ी मीटिंग मीटिंग में नहीं जाइएगा, ऑफिस में नौकरी करते हो तो केयरफुली करिएगा, सामने से चल के मुसीबत सर पे लोगे तो फंस जाओगे। 6 और 7 तारीख पोस्टपोन करिएगा डिसीजन, कोई साइनिंग विनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट होगा तो नहीं करिएगा, किसी की गारंटी नहीं लीजिएगा,
कहीं कोई झगड़ा चल रहा है उसमें इंटरफेयर भी नहीं करिएगा। जनरली आप लोग बहुत सुलझे हुए लोग हैं। 6 और 7 तारीख केयरफुल रहना है आपको। 8 और 9 तारीख आपका अपने लिए है, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए। कहाँ आप चूक रहे हैं, कभी देखिए आप, आपकी जबान बहुत शुगरी हो जाएगी 10 तारीख से 28 तारीख तक, और पर्टिकुलरली शुक्र भी 12 अक्टूबर तक 18 सितंबर से आपके धनस्थान में। बेस्ट टाइम से गुजर रहे हैं आप, और आपके लिए काम धंधे के लिए मैंने बोला आपको, अब केयरफुल रहने का तारीख बोला 6 और 7 तारीख, डिसीजन पेंडिंग रखिए। 8 और 9 तारीख आपको रिवाइज करना है। आपकी गलती कहां होती, सूर्य लग्न में आया है, मैंने जो बोला सोशल वर्क, लोगों का अच्छा करने के लिए कुछ पैसा वापर जाएगा। सूर्य को रोज जल देकर ही ऑफिस जाइएगा। 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक सूर्य लग्न में, बाद में ये धनस्थान में जाएगा, बट सूर्य को जल दीजिएगा 16 सितंबर टू 15 नवंबर तक, 2 महीना सूर्य को जल देकर ही ऑफिस जाइएगा। और अपनी पर्सनालिटी में क्या चूक रहे हैं आप, रिवाइज करें अपने आप को। 8 और 9 तारीख कहां गलती हो रही, और इस गलती के लिए क्या करना पड़ेगा। पर्सनालिटी जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। ये दिन है आप अपने खुद के लिए खुद की गलतियां ढूंढने की कोशिश करें। आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड होता है। यू आर हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी टू रिप्रेजेंट समथिंग, उसका फायदा लीजिए। अपने आप को रिकॉग्नाइज करिए 8 और 9 तारीख को, स्टडी करिए आप कहां कहां चूक रहे हैं। दूसरे से पूछने के कुछ नहीं होता, आपको अपना ऑब्जर्वेशन खुद करना पड़ेगा खुद के बारे में, और वो भी ये दिन बहुत अच्छा है प्रोग्रेस खुद की तरक्की के लिए। 10 और 11 तारीख फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ फाइनेंशियली, 10th and 11th शेयर मार्केट से रिलेटेड होंगे, तो आप कुछ स्टॉक बेच के रोकड़ा करेंगे इस दिन में, आप मतलब आप प्रॉफिट बुक कर देंगे 10 और 11 को, एनकैश करेंगे आपके प्रॉफिट बुक करेंगे 10 और 11 को। अब 12 और 13 तारीख है, ये भाई बहन पड़ोसियों के साथ का गुजारेंगे आप। काम धंधे में कुछ चैलेंज भी आएगा, वो भी आप बखूबी निभा देंगे, कर लेंगे, छोटी ट्रिप ट्रैवलिंग हो जाएगी 12 और 13 तारीख को। 14, 15 और 16 14, 15 and 16 यू विल बी हैप्पी एट होम, मामा के साथ आप आनंद में होंगे। योर मॉम इज अ वेरी रिलीजियस पर्सनालिटी, मामा के साथ कुछ मांगना वांगना हो मामा से, कुछ नहीं तो आशीर्वाद तो मिलता ही है मां से, ये दिन बढ़िया रहेगा 14, 15 and 16 को, और घर में एक शांति का अनुभव करेंगे आप। दिस इज द डे यू विल बी हैप्पी एट होम। हो सकता है घर पे गेस्ट आए, घर पे गेस्ट का आना, 14, 15, 16 को गेस्ट भी आ सकते हैं आपके घर पे, क्योंकि यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली फॉर दिस टाइम। 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर में आपके घर के आप हीरो हुए होंगे, और 14, 15, 16 घर पे गेस्ट आएंगे, ये संभावना है। घर के आंगन में कुत्ता ना आए, ये बैड डे है, और घर के मतलब ये अच्छी बात नहीं है, घर के कुत्ता ना आए आंगन में आपके, और आपके घर पे गेस्ट आए, ये अच्छे दिन माने जाते हैं। कभी कभी कोई गेस्ट बहुत किस्मत वाला होता है, तो उसका किस्मत का भी लाभ मिलता है। आपको समझ में आएगा अगर गेस्ट अगर आपके घर पे रेगुलर आते हो तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कुछ गेस्ट बहुत लकी होते हैं, उनके आने से ही आपके समझ में आता है कि जैसे जो आपकी कुंडली के हिसाब से आपके 9वें, 10वें, 11वें स्थान में है, जैसे आपके घर में वृषभ लग्न का आदमी आया, मिथुन का आया, या कर्क लग्न का, मेल हो या फीमेल, आपके लिए लाभदायक रहता है। तो दिस इज द टाइम व्हेन गेस्ट विल कम, 14, 15 and 16 विल बी हैप्पी डे। 17 and 18 ये कुछ सीखने का टाइम है, स्टूडेंट के लिए बढ़िया है, प्यार करते हैं उनके लिए भी है बढ़िया है, स्टूडेंट के लिए भी 17, 18 बेस्ट है टू लर्न समथिंग। संतान के विषय में उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना, कुछ लर्निंग करना, शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के लिए भी मार्केट ट्रेंड समझ सकेंगे आप 17, 18। 17, 18 आपकी कल्पनाओं को हेल्पफुल होगा, मतलब आप जो सोचते हैं, आदमी काम करने के पहले कुछ तो सोचता है, प्लान करता है, 17, 18 आपके प्लान करने के लिए बेस्ट है। और आपके संतान के विषय में उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट देखो, उनके साथ थोड़ा खुल सकोगे, उनको उनके मन में क्या है वो जान सकोगे
17 and 18 अक्टूबर को। अब 19 and 20 अक्टूबर हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम, बात कम करेंगे इस दिन तो अच्छा है, नौकरी करते होंगे तो विवाद में नहीं जाइएगा, नहीं तो किसी की बात और आपके सर आ जाएगा 19 और 20 को, 19 एंड 20 विल बी क्वारलस डे, बात करना और विवाद में फंस जाना, जो आपकी लिमिटेशन में नहीं है उसकी प्रॉमिस भी नहीं करिएगा 19 और 20 को, किसी के झगड़े में जनरली आप लोग पढ़ते ही नहीं है, मैंने देखा है 19 20 तारीख एक्सपेंसिव है, खर्च होगा, हो सकता है आपके मैटरनल अंकल या आंटी का भी कोई न्यूज कुछ समाचार आपको मिले 19 20 को। इन शॉर्ट दिस इज नॉट ए गुड डे 19 और 20, केयरफुल डे। 21 22 द बेस्ट डे फॉर योर मैरिज लाइफ, आपके पति या पत्नी बहुत सुंदर है, मौजी है, हैप्पी पर्सनालिटी, आप बहुत हिसाब करते हैं, कोई हिसाब नहीं करता, आपका स्पाउस हिसाब नहीं करता, मौज में जीना जानता है वो, ही नो हाउ टू लिव हैप्पी। और ये वो दिन है 21 22 को आप पत्नीमय या पतिमय हुए होंगे, मैरिज लाइफ के कुछ गिले शिकवे आप इस दिन में दूर भी कर पाएंगे 21 और 22 को। जनरली आपका बहुत कैलकुलेटिव नेचर मैरिज लाइफ के लिए कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, स्पाउस आपको हमेशा ताने भी मारता है, कंजूस है आप, बट आपका बजटिंग आपको गॉड गिफ्टेड है। 21 और 22 तारीख काम धंधे में पार्टनरशिप में होगा तो बेस्ट दिन साबित होगा ये, टेम्पररी टाइमिंग ऑफिस में आपको सम्मान भी मिलेगा, काम में टेम्पररी आप लिफ्ट होंगे 21 और 22 को, अच्छा दिन है ये आपके लिए। 23 और 24 तारीख ये स्ट्रेसफुल है, तनाव वाला दिन है, 23 and 24 स्ट्रेसफुल डे। अब ये 6 दिन है, ये 6वां दिन कोई विष्णु का मंदिर हो वहां से जाकर जाइएगा, ओम विष्णुवे नमः का जाप करिएगा, जब भी आप सुबह करते हैं उठकर तो बहुत अच्छा है, 11 टाइम 21 टाइम 108 टाइम जो भी आपको जो सुविधा है जितनी देर, ये दिन में विष्णु पूजन करके जाएंगे, विष्णु की पूजा करेंगे तो लाभ रहेगा। 23 और 24 थोड़ा तनाव वाला भी टाइम दिन है, मानसिक प्रेशर रहेगा इस दिन में 23 24 को। सो आइए कैप दिस 6 डेज इन ए केयरफुल डेज 23 और 24 25 26 27 अगेन आपके कैरियर के लिए 25 से 31 तक, मतलब लास्ट वीक बेस्ट है। 25 26 27 ट्रैवलिंग का टाइम है, रिलीजियस लेक्चर वेक्चर सुनेंगे, क्योंकि ये तनाव से मुक्त होने के लिए अभी आप रिलीजन का सहारा लेंगे। 25 26 27 को आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ आप एंजॉय करते हुए पाएंगे अगर उम्र आपकी बड़ी है तो, और ये दिन लकी भी रहेगा, ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छा रहेगा, भाई बहन की मैरिज लाइफ के साथ भी कुछ कनेक्शन आएगा पॉजिटिव 25 26 27। 28 29 जॉबलेस लोगों के लिए अगेन बेस्ट डे, इस महीने में 2 doesn't have a job उनके लिए 2nd 3rd 4th 28 and 29, ये 3 बजे के बाद बोला है मैंने 2 तारीख का, ये ऑलरेडी जॉब पे है तो ये दिन अच्छा रहे, यानी कि कुछ आप कभी कभी ऑफिस में कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं कि इंतजार करना पड़ता है कि बॉस अच्छे मूड में हो तब बात होती, तो ये दिन वो दिन है जब आप बॉस से बहुत इजीली परस्यू करा सकेंगे जो आपके दिमाग में, आपका रिप्रेजेंटेशन का हेल्प लीजिएगा, कंटेंट तैयार रखिएगा और ये दिन में रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, बात खत्म, आपका काम हो जाएगा, होना ही चाहिए। 28 29 अब 30 और 31 तारीख है, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है, दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए बेस्ट है, कुछ फ्यूचर प्लान करने के लिए बेस्ट है, फ्यूचर प्लान मतलब आप कुछ आइडिया बनाएंगे, पहले सपने देखेंगे, ड्रीम करेंगे, कोई भी चीज प्रैक्टिकल लाने के पहले उसको ड्रीम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और अगर आपका सोच पावरफुल है तो धीरे धीरे नेचर आपको हेल्प करने लगता है, इंसान जो सोचता है वो बहुत कुछ चीज होने लगता है, सो पॉजिटिव थॉट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है, 30 31 आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव थॉट्स मिलेगा और आप वो कर पाएंगे। अभी एक समरी पे नजर करते हैं, ये 6 डेज रिमार्क करिएगा, कैलेंडर पर मार्क कर दीजिएगा, हेडिंग आप समझ चुके हैं, पैसे का फ्लो अच्छा है, कुछ खर्च होगा घर के बड़े बुजुर्ग के लिए, उसको रोक तो नहीं सकते आप,
लेकिन श्री सूक्त करिएगा हो सके तो। श्री सूक्त के 16 श्लोक है। पैसा बंधन होता है थोड़ा, श्री सूक्त थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन श्री सूक्त 100% अच्छा रिजल्ट देता है। सो ये पैसा फ्लो को फ्लो है, लेकिन वो चले भी जाएगा। जॉबलेस लोगों के लिए रिपीट करता हूं मैं वापस, 2 तारीख को 3 बजे के बाद, 3, 4, 28, 29 ये डे बहुत अच्छे हैं बिजनेस के लिए, बेस्ट है 8 अक्टूबर तक। बाद में गुरु वक्री हो रहा है, पैसे की शॉर्टेज कर देगा वो, उसका मुंह इस तरफ नहीं इस तरफ हो जाएगा, 8th हाउस की तरफ हो जाएगा। तो ये आपके लिए श्री सूक्त करना ही एक इजी सॉल्यूशन है पैसे के लिए। श्री सूक्त के 16 श्लोक है, वो जाप करिएगा, 16 मंत्र है। आप श्री सूक्त गूगल पर लिखेंगे तो 16 श्लोक दिखाई देंगे, ये करिएगा। पहला श्लोक है, हरि ओम हिरण्यम वर्णम हरिणिम स्वर्ण रजस्त जाम चंद्रा मृणमय लक्ष्मी जात वेदो में आओ। और इसका 16वां श्लोक है, ओम यशुचि प्रयत तो भूतवा जुहादया जो मन वम श्री सूक्त पंचदश च श्रीकाम सतत जपेता। ये 16वां श्लोक है। वो 16 श्लोक पढ़ो सुनो, यूट्यूब पर लैपटॉप पर लगाकर सुनिएगा, लाभदायक रहेगा। 8 अक्टूबर के बाद, 8 अक्टूबर तक तो फाइनेंशियली आपकी पोजीशन, आपकी पोजीशन फाइनेंशियली 28 अक्टूबर तक मजबूत है समझ लीजिए। लेकिन ये पैसा आने के बाद उसका रास्ता भी करेगा। श्री सूक्त करने से पैसा बंधेगा, रुकेगा। हेल्थ के लिए 19 और 20 अक्टूबर, यू टू बी केयरफुल, आई सेड, वापस रिमाइंड किया मैंने। स्टूडेंट के लिए 1st, 2nd, 17, 18, 1st, 2nd, 17, 18, 25, 26, 27 ये बेस्ट है। लकी डे भी है 1st, 2nd, 25, 26, 27, लकी डे भी है। ट्रैवलिंग के लिए भी बेस्ट है, रिलीजियस ट्रैवलिंग के लिए भी बेस्ट है, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने के लिए भी बेस्ट है 1st, 2nd, 25, 26, 27। और स्टूडेंट के लिए जो भी आप करते हो, देखिए 8 अक्टूबर तक बढ़िया टाइम है, एकदम बढ़िया टाइम है। उसके बाद ये डेट को बराबर फॉलो करिएगा। इस दिनों में आपका पूरा एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। मतलब इस दिनों में अभी स्टूडेंट है तो पिक्चर देखने चले जाते हैं, कुछ और एंजॉयमेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं, सिनेमा थिएटर में जाएंगे, होटल में जाएंगे, कुछ मजा करेंगे। तो ये दिन दोस्तों के साथ मजा मजा करने की बजाय अपने एजुकेशन को कॉन्सेंट्रेट करिएगा। ये दिन का प्यार करते हैं उनके लिए 20 अक्टूबर बेस्ट है। थोड़ा हेल्थ का इश्यू है 19 अक्टूबर में, बट ये वृषभ राशि का चंद्र उच्च का आपके भाग्य में और वृश्चिक राशि का शुक्र 20th अक्टूबर टू प्रपोज डेटिंग, किसी के साथ डेटिंग करते हो तो 20th अक्टूबर विल बी द बेस्ट। ये रोमांटिक दिन भी रहेगा, बट हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहने का दिन है ये 20th अक्टूबर, पर रोमांटिक दिन का बेनिफिट है, मिलेगा आपको उसका। मैरिज के लिए यस, मैरिज के लिए मैंने जो बोला आपको यस बोला है, ये डेट याद रखिएगा 22 सितंबर से 8 अक्टूबर तक, मतलब मैट्रिमोनियल साइट हो कोई, ये 8 अक्टूबर तक, 22 सितंबर टू 8 अक्टूबर में पूरा एडी चोटी का जोर लगा दो, कंफर्म हो जाए ये संभावना है 100% है। बाद में 8 अक्टूबर के बाद गुरु का पॉजिटिवनेस आपको मिलना बंद हो जाएगा, इतना जो जोर से मिल रहा है अभी। अभी पोजीशन अच्छा है, शेयर मार्केट का मैंने बता दिया आपको, टू लर्न 17 और 18 अक्टूबर मार्केट ट्रेड लर्न करने के लिए। किसी के भरोसे पे शेयर मार्केट कभी करना भी नहीं चाहिए। आपके पास उसका मैक्सिमम मिनिमम कितना जाता है, इसका यील्ड कितना देता है ये शेयर, डिविडेंड क्या है उसका, वो सब होना चाहिए आपको नॉलेज। और ये लर्निंग के लिए 17-18, और आपका ऑब्जर्वेशन उस पर आप सीखेंगे 17-18 को कुछ। टू सेल 10 and 11 एंड फर्दर इन्वेस्टमेंट, आई सेड 4, 30 and 31 फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। फाइनेंस के लिए इस महीने में अगर किसी को पैसा उधार दिया है या किसी से पैसा मांगना हो तो 10 और 11 तारीख द बेस्ट साबित होगा। अब देखें इस महीने को पंचांग, थोड़ा सा 15 और 28 तारीख प्रदोष, बॉम प्रदोष 15 and 28। अगर आपका कर से आप परेशान है, डेब्ट से, तो शिव मंदिर में जाइएगा 15 and 28 को जलाभिषेक करिएगा, 15 and 28 को। चतुर्थी 6 अक्टूबर and 28 अक्टूबर, मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है, बट समझो जन्म का मंगल आपका 12th हाउस में बेडरूम में है, अच्छा नहीं माना जाता, वो झगड़े कराता है स्पाउस के साथ,
एट्थ हाउस में भी अच्छा नहीं होता, स्पाउस बोलता है तो हर्ट होता है इंसान। सेवेंथ हाउस में है, अगर बर्थ का, बर्थ की बात कर रहा हूँ ट्रांजिट की नहीं, अगर ऐसा है फोर्थ सेवेंथ हाउस का, मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं फोर्थ हाउस का है तो रोज रोज झगड़ा। लग्न में अगर मंगल है तो चैलेंजेस एवरी डे, मंगल का नेगेटिविटी कंट्रोल करने के लिए गणेश मंदिर में जा सकते हैं 6 अक्टूबर एंड 20 अक्टूबर, ओम गण गणपते नमः का जाप करें। जन्म का मंगल आपका 1, 4, 7, 8, 12, ये तकलीफ ज्यादा देता है ये मार्स, तो गणेश पूजन काम आएगा। गणेश गायत्री मंत्र अथवशेष गणेश सहस्त्रनाम करिएगा। इस महीने में सूर्य ग्रहण है कन्या राशि में आपके लग्न में, नॉट विजिबल इन इंडिया। सो सूर्य को जल चढ़ाने का जो सजेशन दिया है मैंने 16 सितंबर से 15 नवंबर तक, आपका घर के पास तुलसी का पौधा रखिएगा, मेन विंडो हो, टेरेस बालकनी या गैलरी हो, वहां ईस्ट फेस हो तो बहुत अच्छा है। पानी चढ़ाओ और बाद में ऑफिस जाओ। आई सेड 16 सितंबर टू 15 नवंबर। ये थोड़ा ईगो भी देता है लग्न का सूर्य, राहु के साथ अपोजिशन है, मतलब स्पाउस के साथ ट्यूनिंग भी थोड़ा गड़बड़ेगा, वो आप अनुभव कर पाएंगे। स्पाउस पत्नी के स्थान में या पति के स्थान में राहु है तो वो थोड़ा कन्नी दिखाई दे रहा है आपको, लुच्चाई करेगा, चीटिंग करेगा आपके साथ, ऐसा भी लगेगा आपको। 21-22 तारीख मैरिज लाइफ के लिए बढ़िया दिन है, उस दिन का एडवांटेज लीजिएगा। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो शेयर नहीं करिएगा, केतु लग्न में आपके लिए आया है, केतु लग्न का ये लंबे समय तक है आपके लिए। और राहु आपके लिए सेवेंथ हाउस में है, तो मैंने बोला ऐसा विष्णु सहस्त्रनाम करना है 2 अक्टूबर को, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा 2 अक्टूबर को। इस महीने में नवरात्रि है, ये करिएगा जरूर, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम सुनिएगा हो सके तो, बैठ के करोगे तो बहुत अच्छा है, सूर्य ग्रहण का नेगेटिविटी से बचेंगे, उसके लिए ग्रहण है आपके लग्न में ही। ये कुछ स्ट्रेस दे सकता है सरकारी कार्य से रिलेटेड, क्योंकि सूर्य सरकार को भी रिप्रेजेंट करता है, पिता को भी रिप्रेजेंट करता है, पिता के विषय में, सरकार के विषय में, टैक्सेशन के विषय में कुछ स्ट्रेस दे सकता है, क्योंकि ये लॉर्ड ऑफ द 12th भी है, ग्रहण भी हुआ है। सो उसका उपाय सूर्य का और गेहूं का दान, एटलीस्ट 11 kg गेहूं हो सकेगा तो किसी शिव मंदिर में रखवा दे या रख दे पर्सनली जाकर 2 अक्टूबर को। नवरात्रि ये 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर, 9 दिन, यानी कि कन्या भोजन कराइएगा। और कोई अगर माता जी की पूजा करते हैं तो उनके लिए ये दिन बहुत अच्छे माने जाते हैं, मतलब वो मंत्र सिद्धि के लिए माता जी के, कोई भी मंत्र। 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर लक्ष्मी पूजन, माता जी का पूजन, कुल देवी का पूजन करने के लिए बढ़िया दिन है। अगर आपके 9th हाउस में शुक्र है, चंद्र है, तो साल में एक बार कुलदेवी के दर्शन करने जाओ तो भी मिरेकल होता है, और पर्टिकुलरली ऐसे दिन में, नवरात्रि जैसे दिनों में बहुत लाभ होता है। दीपावली 27 से 31 अक्टूबर। अब ये जो लोग ईस्ट में है उनके लिए, इंडिया में पर्टिकुलरली महाराष्ट्र और गुजरात, 31 अक्टूबर है, कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा ईस्ट की तरफ भी है। सो इसका हम लोग, मैं मंथली वीडियोस दूंगा आपको, मैं महालक्ष्मी पूजन कभी करना है उसका वीडियो दूंगा। स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश, 13 मिनट का टाइम होगा। वृषभ लग्न पैसे का लग्न है, आपके लक हाउस में है। वृषभ लग्न का मुहूर्त देते हैं हम लोग, और उसमें वृषभ नवमांश हो, कुंभ नवमांश हो, ये कोशिश करते हैं। वृषभ सिंह, वृश्चिक और कुंभ नवमांश हो, लग्न स्थिर और स्थिर नवमांश, कोशिश करते हैं वो मुहूर्त देने की। आपको सिटी वाइज देंगे, हिंदुस्तान के मेन 8-10 सिटी देंगे, आपके नियर बाय सिटी को देखकर आप जजमेंट ले सकेंगे पूजा के लिए। गुरु पुष्य नक्षत्र है इस महीने में 24 तारीख को, और हमारी इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड जो है इंडिया में ही है, पर्सनल प्रॉपर्टी का गोल्ड इंडिया में सरकार से भी कई गुना ज्यादा। दैट इज बिकॉज टन, हजारों टन घुसता है हर साल गोल्ड हिंदुस्तान में,
और ये हमारी मेंटेलिटी ये है कि इट इज इजी टू कैरी गोल्ड, गोल्ड कहीं भी रोकड़ा हो सकता है, और पुष्य नक्षत्र के दिन जो गोल्ड खरीदते हैं तो हमारा बिलीफ ऐसा है कि उसको बेचना नहीं पड़ता। मतलब आप इस गोल्ड को खरीदते हैं पुष्य के नक्षत्र के दिन, भगवान की कृपा हो और अगर आपके पास पैसा हो तो 24 अक्टूबर को गोल्ड जरूर खरीदिएगा, यथाशक्ति खरीदिएगा। उसको शनि बिकवाने नहीं देता, क्योंकि कर्क राशि में शनि का नक्षत्र है पुष्य, उसको पालता है पोसता है यानी कि संभालता है उसको, और लंबे समय तक गोल्ड आपके साथ रह सकता है अगर आप पुष्य नक्षत्र में खरीदते हैं। तो ये पुष्य नक्षत्र का बड़ा महत्व है, इसमें विवाह के लिए ये नक्षत्र को वर्ज्य मतलब नहीं किया जाता। इसका वजह है शनि चंद्र का विषयोग कंसीडर किया जाता है उसमें। 24 अक्टूबर सुबह 6 बजे से दूसरे दिन शाम को, दूसरे दिन 6 बजे तक अर्ली मॉर्निंग 6 AM to 6 AM, 24 अक्टूबर 6 AM to 25 अक्टूबर 6 AM तक, ये केयरफुल की तारीख है। ये चंद्र शुक्र की युति प्रतियुति की तारीख है, ये गज केसरी योग की तारीख है, और ये डिस्क्रिप्शन है कौन सी तारीख को चंद्र कब कब प्लैनेट्स हाउस चेंज कर रहे हैं। जैसे मंगल अभी नीच राशि का हो जाएगा आपका 20 अक्टूबर से, कर्क राशि में 11वें स्थान में, नॉट एट ऑल नेगेटिव नहीं है वो। देखिए 6वें स्थान में 11वें स्थान में पापग्रह 9, 10, 11 में नेगेटिव रिजल्ट कम देते हैं। सो ये लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा, जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम वंस अगेन रिमाइंडिंग यू प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरी चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।